गुड मॉर्निंग पॉलिटिकल थिंकर्स राइटर्स जर्नलिस्ट एंड अदर पार्ट ऑफ प्रेस और मीडिया। जो हेडलाइंस बनी हुई अखबारों में अपोजिट पार्टीज फ्लेज इलेक्शन कमीशन से रिमोट वोटिंग प्लान, भाई बहुत बुरी बात है। मुश्किल से लंबे समय से बार बार जो मुद्दा उठाया जा रहा था कि मत प्रतिशत बढ़े, वोटिंग परसेंटेज बढ़े और रिमोट वोटिंग, उसके लिए बार बार ये बात सामने आई थी कि सबसे बेहतर प्लान है। इनका जो बेचार बेकार का जो पचड़ा है, यहाँ एक बड़ी गलत परंपरा विकसित हो चली है राज्यों में, हो चाहे सेंट्रल पॉलिसी की बात हो। विपक्ष कहते हैं ओपोजिशन का काम विरोध करना, परंतु विरोध उनको करना जन विरोधी मुद्दों पर। हर मुद्दे विरोध करना शोभा नहीं देता, चाहे रूलिंग पार्टी जो ऑपोजिशन हो। इसमें बात वोटर्स की सुनी जाएगी। रिमोट वोटिंग बहुत ही अच्छा हिस्सा है। आज भारत के देहात में बार बार सर्वे करने पर आता है कि 60% के आसपास आबादी जो है वो माइग्रेटेड होती है ड्यूरिंग द ईयर। राजस्थान का आदमी बैठा तमिलनाडु में, तमिलनाडु का बैठा हरियाणा में, यानी वहाँ एक वोट के लिए जाना पसंद तक नहीं करता कि इतनी दूर कितना खर्चा लगेगा और वेस्टेज ऑफ टाइम एंड बर्डन। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा साधन है बना है। पिछले दिनों कई राज्यों के चुनाव में आपने देखा मत प्रतिशत 50 तक आ चुका, वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र का गहना नहीं बनता, वो लोकतंत्र की खामी बनती है। तो विपक्ष से मैं कहूँगा कि वो रिमोट वोटिंग प्लान को ले इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करिए, हमारी जनता की मांग है, उसको फ्री एंड फेयर हम बना लेंगे। कहते हैं कि कहीं भी दबाव दबाव ये नाम सीखे थे, आजकल इतनी दबाव की मुद्रा कोई है भी नहीं। और जो दबाव प्रेशराइज जो ग्रुप थे डालने वाले, गांवों में बहुसंख्यक जाति समूह, बहुसंख्यक धार्मिक समूह और बहुसंख्यक असामाजिक समूह या षडियल समूह को, ये जिनको शालीन शांत और समृद्ध और सभ्य लोगों के साथ उत्पात मचाने वालों का जमाना लगभग जा चुका है, और नहीं गया तो स्वयं भी सरकार से मांग करें कि उनको और सुरक्षा प्रदान की जाए निडी को। परंतु इलेक्शन कमीशन की जो मुहिम और जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन, जो रिमोट वोटिंग प्लान है, उसको प्रमोट करें, पहाड़ी और रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए बहुत साधक होगा। धन्यवाद।